मीडिया के दोस्तों, नौजवान युवा साथियों, बड़े तादाद में हमारे अभिभावकगण हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सब लोगों को गोर छू करके प्रणाम करते हैं, आदाब प्रणाम सलाम करते हैं। आप लोग जान रहे हैं कि चुनाव है, आप लोग नहीं शांत होंगे तो बाहर चले जाइए। 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट हमको बोलने दीजिए। आपके नेता लालू जी को चुनाव से दूर रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि लालू जी गरीब का लड़ाई लड़ते हैं, लालू जी सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़ते हैं, लालू जी सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते हैं, लालू जी सामंतवादियों से लड़ते हैं। और ये जो सत्ता में जो बैठे लोग हैं, ये लोग गरीबी को नहीं मिटाना चाहता है, गरीब को मिटाना चाहता है। बात समझिए, इसलिए ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिस चुनाव में लालू जी को आप लोगों से, जनता से दूर रखा गया, साजिश के तहत जेल में फंसा करके ये भजपैया वाला सब रखा है। और हमारे पिता बीमार हैं, अस्पताल में है, रांची में। 10 दिन पहले हम रांची गए, हमको मुलाकात नहीं करने देता, एक बेटा को एक बीमार पिता से मिलने नहीं देता। आप बताइए, एक बीमार पिता से एक बेटे को मिलने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं मिलने दिया। अब आप देखिएगा कि लालू जी का एक कमरे से दूसरे कमरे नहीं ले जाने दिया जाता है, इलाज भी नहीं होने दे रहा। भाजपा सरकार बोलता कि हम नहीं इलाज होने देंगे, एक कमरे से दूसरे कमरे, वहां का डॉक्टर बोलता है, प्रशासन का कोनो, मेरा घर का डॉक्टर नहीं बोल रहा। जब हमको मिलने नहीं दिया गया तो वहां के डॉक्टर से हम बात की, तो एक डॉक्टर बोला कि 10 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं कि लालू जी का जांच हो जाए, टेस्ट हो जाए, जिस कमरे में मशीन है वहां लालू जी को नहीं ले जाने दिया जा रहा। ये अमानवीय व्यवहार है। आप देखिएगा कि हफ्ते में 3 लोगों से लालू जी को मिलने का दिन होता है, शनिवार, और 3 लोगों से मुलाकात करने का समय दिया जाता है, लेकिन वहां की प्रशासन मिलने नहीं दे रही। अब देखिए, हम जनता की अदालत में आए हैं, जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होता है, ना तो सुनवाई होता है, सीधे फैसला होता है, न्याय होता है। और हम आप लोगों के बीच, जनता की सबसे बड़ी अदालत में आप लोगों के बीच आए हैं। आप लोगों से चाहेंगे कि आप लोग लालू जी के साथ न्याय करने का काम कीजिए। हम लोगों के मन में लालच होता तो हम लोग भी अपना पलटू चाचा जैसा विचार का सौदा करके भाजपा में मिल गए होते हैं। भाजपा में मिलते ही पाप धुल ना जाता है। भाजपा में चल जाइएगा तो राजा हरिश्चंद्र, अब भाजपा से लड़ोगे तो बेईमान, चोर, भ्रष्टाचारी जेल में बंद करेगा। अगर हम लोगों के मन में लालच होता तो आज हम बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते हैं भाजपा से हाथ मिला करके। इसलिए देखिए, ये विचार की लड़ाई है, ये सिद्धांत की लड़ाई है, और इसमें देश का संविधान खतरे में है, देश के संविधान को बचाना है, आरक्षण खतरे में है, आरक्षण को बचाना है। इसलिए सबसे ज्यादा आप लोगों से अपील करने आए हैं कि एक एक वोट, अगर आप अपने देश को बचाना चाहते हो, संविधान को बचाना चाहते हो, आरक्षण और भाईचारे को बचाना चाहते हो, तो तनवीर हसन साहब को एक एक वोट लालटेन में मिलना चाहिए, और लालू जी के साथ न्याय करना चाहते तो एक एक वोट। लोग गलत फहमी फैला रहा है, लोग चाहता है कि वोटों का विभाजन हो। अरे गिरिराज सिंह, जब हम लोग विकास की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो ये भाजपा का नेता ही गिरिराज सिंह बोलता है पाकिस्तान भेजेंगे। ये गिरिराज सिंह के बाप का देश है जो हम लोग का पाकिस्तान भेजेगा। अगर सुन ले, अगर सुनो सुनो यार, समय नहीं है, कोई भाजपैया अगर यहाँ होगा, होता है ना रिपोर्टिंग के लिए कान लगे रहता है रिपोर्ट देने के लिए कैसा हुआ, तो अगर कोई भाजपैया है तो कान सबसे पहले साफ करो, साफ करने के बाद अच्छे से कान खोल लो। अगर सोचते हो कि लालू जी को जेल में बंद कर करके अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे, आरक्षण और संविधान को खत्म कर देंगे, हिंदू मुसलमान दंगा कराएंगे, तो ये बात अच्छे से सुन ले कि भले ही लालू जी को साजिश के तहत तुमने जेल में बंद किया हो, लेकिन लालू जी का बेटा यही खड़ा है, अगर माँ का दूध पिए हो
तो मैदान में आओ, दो दो हाथ कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे संविधान, अगर हमारे गंगा जमुनी तहजीब पर, अगर हमारे गरीब के अधिकार पर, अगर हमारे आरक्षण पर अगर तुम बुरी नजर डालोगे तो अंजाम बुरा होगा। बाकी कुछ हम नहीं कह रहे क्योंकि आचार संहिता लागू है। हम लोग नियम कायदा का पालन ना करने वाले लोग हैं, सीमा का तो नहीं ना उल्लंघन करना है। तो आप मेरा भावना समझ रहे हैं ना? अरे हाथ उठा के बोले समझ रहे हैं ना? तो भाजपा वाला लोग अच्छे दिन आएंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, 15-15 लाख रुपए हर एक के खाता में मिलेगा, हर साल में 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, किसानों का आय दुगुना होगा, किसानों का कर्ज माफी होगा, कोई काम हुआ गंगा सफाई करेंगे, हम स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, हम बुलेट ट्रेन चालू करेंगे, हम मेक इन इंडिया करेंगे, हम बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे। एक काम किया है बेईमानों ने? अरे मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है, वो झूठ बोलने के फैक्ट्री ही नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरर भी, होलसेलर भी, रिटेलर भी है। बात को समझिए, मोदी जी की जितनी राजनीति है दिखावटी, बनावटी और मिलावटी है। एक पलटू चाचा है, ये पलटू चाचा मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। बताइए भाजपा में मिल लगे? अब मिट्टी में मिलाने की बारी अब आप लोगों की है, जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। बचपन में मूवी देखे थे तो चाचा 420, चाची 420, अभी देख रहे चाचा 420। तो आप देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठगा नहीं। ये सब बेईमान सब खाली सृजन घोटाले का ना डर था, सत्ता का ना लालच था, उसने ना पलटी मार दिया, महागठबंधन छोड़ करके भाग गए। तेजस्वी तो बहाना था, भाजपा में जाना था, ये आप जानिए इस बात को। इन लोगों ने बिहार का बंटा बैठा दिया। बताओ 4 साल में 4 सरकार तो विकास संभव है? नहीं है। तो आप जानिए क्या काम किया इन्होंने, तो शराब बंदी की है। आप बताओ शराब चालू है कि बंद है? अरे हाथ उठा के बोले शराब चालू है कि बंद है? हम तो मानते हैं कि नशा मुक्ति पूरे भारत में होनी चाहिए, लोगों को समझाने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है। लेकिन आप बताओ होम डिलीवरी हो रहा कि नहीं हो रहा? 200 रुपया के बोतल 1500 में मिल रहा है ना? 1500 और 200 में अंतर कितने का है? 1300 पलटू चाचा के पॉकेट में। इंजीनियर ना है, इंजीनियरिंग दिमाग लगाए हैं कि कैसे पॉकेट भरना है। गरीब तार के पेड़ पर चढ़ जाता है तो उनको जेल में बंद करता है, गरीब महुआ चुनता तो उसको जेल में बंद करता है, लेकिन अमीर डेली सुबह शाम चाप करके पी रहा है चखना के साथ तो कुछ नहीं हो रहा। तो बात समझिए, बालू बंदी करा के मजदूर के पेट पे लात मारा तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तरस हमको बिहार पुलिस पे आता है। अब इन लोगों की कोई गलती नहीं है, जो ऊपर से फरमान आना है उसका पालन करना है। लेकिन आप बताइए पुलिस का क्या काम होना चाहिए? अपराधियों को पकड़ना, बलात्कारियों को पकड़ना, रंगदारों को पकड़ना, हथियारों को पकड़ना, अपहरणकर्ताओं को पकड़ना, चोर चुकारों को पकड़ना। तो पुलिस वाला ढूंढने चला के शराब पिया के शराब पिया के शराब पिया, तो अपराध बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा अपराध। तो देखिए समय नहीं है, आज हमारे पिता हमारे साथ नहीं है, आपके बीच नहीं है, हम अकेले हैं इस पूरे चुनाव में, सारा जिम्मेवारी मेरे कंधे पर है, हमारे पार्टी के जितने लोग हैं सब लोगों के कंधे पर है। तो आप लोग मेरा परिवार है, अब आप ही के भरोसे हम लोग हैं, आप ही हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, आप ही हमारे भाई हैं। आप लोगों का आशीर्वाद बेटे पे होगा कि नहीं होगा? हाथ उठा के बोले होगा कि नहीं होगा? और इस सांप्रदायिक शक्तियों को, सामंतवादियों को सबक सिखाना है ना? तो एक ही पार्टी है, भाजपा वाला लोग डरता है तो लालू यादव से डरता है, और कोई नया नमूना है? सुनो, अगर कोई नया लोग आकर के कोई वोट का विभाजन करेगा तो ये गलत फहमी में मत रहना, बटना मत। हम 4400 सीट पे भाजपा से लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये कोई व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, कोई मजाक नहीं है। तनवीर साहब को जिताइए और एक एक वोट लालू जी के नाम पे पड़ना चाहिए।
लालू जी ने अडवाणी जी के रथ को रोका, गिरफ्तार किया, मोदी जी के भी रथ को लालू जी रोकने का काम करेंगे। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मेरे साथ नारा लगाइएगा, आप मेरा परिवार है, आपके बीच रहना, आपका सेवा करना, आपका काम करना, ज्यादा उम्र नहीं, कम उम्र है, भविष्य आप लोगों बेहतर बनाइए, हाथ को मजबूत कीजिए, ताकि पूरा जी जान से आप लोगों का सेवा जिंदगी भर हम करने में लगे। तो ज्यादा कुछ नहीं, नारा लगाइए, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, तो आप बोलना देश बचाओ, भाजपा भगाओ, दोनों हाथ उठा के बोलिए, बुलंद आवाज से बोलिए, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। देखो गरीब पिछड़े भाई दलित भाई, रोजगार तुमको तभी मिलेगा जब आरक्षण बढ़ेगा। भारत मैया की तो जय, लेकिन आरक्षण मैया की भी जय। मोदी जी अगर दोबारा आ जाएंगे तो सरकारी नौकरी खत्म कर देंगे, सारा प्राइवेट के हाथ में दे देंगे, तो समझ जाना। इसलिए नारा लगाइए, अगर बेरोजगारी मिटाना है, हटाना है, तो हम बोलेंगे बेरोजगारी हटाओ, आप बोलेंगे आरक्षण बढ़ाओ, बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। पलटू चाचा के लिए कहिएगा, सबसे बड़ा धोखा उन्होंने दिया है, वो पीठ पे छुरा नहीं तीरे भोंकते हैं, तीरे, तो उनसे बदला लेना है। नीतीश कुमार ने ही बीजेपी आरएसएस को जमीन देने का काम किया है, सामंतियों को बल देने का काम किया है। इसलिए आप लोग पलटू चाचा को भगाइए, अब बिहार बचाइए। हम बोलेगा पलटू चाचा भगाओ, आप बोलेगा बिहार बचाओ, लेकिन दोनों हाथ उठा करके पट्टू चाचा भगाओ, पट्टू चाचा भगाओ, पट्टू चाचा भगाओ। आप लोगों की अनुमति हो तो तनवीर जी को जीत का माला पहना देना। ये उपेंद्र पासवान जी भी पूरा मेहनत कर रहे हैं, यहाँ अपने उर्मिला ठाकुर जी भी हैं, कारी शोएब जी भी हैं, सब लोग जो है मेहनत कर करके एक एक साथ आप लोगों का देंगे। जब होगा काम तो आप इन लोगों को याद कीजिएगा, ये लोग आपके सेवा में खड़े रहेंगे। तो पहना देना विजय कमाला, पक्का। जय हिंद, भारत भैया की जय, आरक्षण भैया की जय, जिंदाबाद।